लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 15वां इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। काबीना ने 13 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी दी। सूबाई काबीना ने गैर कानूनी असलाह और पतंगबाजी पर सजाएं और जुर्माने को बढ़ा दिया। इजलास में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए MD कैट पॉलिसी और सूबे की पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्याम की मंजूरी दी गई। काबीना ने पाकिस्तान में पहली मर्तबा प्लाट के मलकियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन जारी करने की मंजूरी दी। 15 लाख रुपए कर्ज लेने वाले को 9 साल में 14,000 रुपए महाना किस्त अदा करनी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हदायत पर लोनिंग स्कीम रिवॉल्विंग फंड में तब्दील कर दी गई। आवाम से कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के यूनिफॉर्म फ्रंट डिजाइन की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हाउसिंग लोन के लिए समाजी, माशी और आमदन के जराये स्क्रॉन्टे का अमल आसान करने की हदायत की और कहा कि आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं, 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़रा को हाउसिंग लोन की पहली किस्त खुद जाकर देने की हदायत भी की।